हेलो दोस्तों, ये तो ये है टाटा की एल्ट्रॉस डार्क एडिशन और टर्बो वेरिएंट है ये। तो मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो टर्बो वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट में टाटा का लोगो मिल जाता है, कुछ लाइट हेडलैम्प यूनिट आपको इस तरीके की मिल जाएगी, हाई बीम आपका हेलोजन में मिलेगा और लो बीम आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। ये आपका DRL और यहाँ पे आपका फॉग लैम्प यूनिट मिलता है जो कि हेलोजन में रहने वाला है। कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक आपको देखने को मिलेगी। आप चलते हैं साइड्स में, ओवरऑल लुक ये निकल के आती है गाड़ी की। और इंजन पावर की बात करेंगे तो आपको 108 BHP की पावर मिलती है और 140 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। बात करेंगे टायर साइज की तो डुअल टोन आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश में। जिसके टायर सेक्शन की बात करेंगे तो आपको मिलता है इसके अंदर, टायर सेक्शन की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 195/55 R16 का आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। फेंडर पर आपको डार्क की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और फेंडर पर ही इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ORBM से आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगी, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको मिलते हैं। A+ आपको बॉडी कलर मिलता है, B+ आपको मैट कलर देखने को मिलेगा और डोर हैंडल आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल में, तो बैक में आपको डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाते हैं, सेंटर में आपको एल्ट्रॉस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, साइड में आपको हाई टर्बो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ सेंटर में आपको कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है, सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉपर आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और अब चलते हैं गाड़ी की रियर कम्फर्ट में, तो ये है रियर डोर। और रियर डोर में आपको 1 लीटर बोतल की जगह आपको यहाँ दी गई है और यहाँ थोड़ी कुशनिंग वगैरह आपको मिल जाती है देखने को। और यहाँ पे पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है और डोर हैंडल आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलेंगे, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर का जो बैठने का कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। जो रेयर पर्सन है उनके लिए आपको AC वेंट्स की सुविधा यहाँ पे दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है और जो फ्लोर है वो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, लेदर सीट्स आपको मिल जाती हैं, हेडरेस्ट जो हैं वो आपके एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है। और अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट पे और दिखाते हैं आपको फ्रंट में और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की की, तो गाड़ी की कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। इसमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपनिंग के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट डोर की बात करेंगे तो फ्रंट डोर पे आपको रुक के सेंसर बटन यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना डोर ओपन कर सकते हैं। 90 डिग्री डोर ओपनिंग आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर और फ्रंट डोर पे भी आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाती है। पावर विंडोज के बटन देखने को मिल जाएंगे, विंडोज लॉक के बटन मिल जाएंगे, ORBMs के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ दी गई है और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, बोतल रखने की जगह आपको यहाँ दी गई है, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है और ओवरऑल लुक आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेगा इंटीरियर। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो नीचे आपको एक डेड पेडल ऑफर किया गया है, 3 लीवर आपको मिल जाते हैं, अपना आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हाइट एडजस्टमेंट के आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, लेदर सीट्स आपको मिल जाती हैं। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर बात करेंगे तो स्टीयरिंग आपको कुछ इस तरीके देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेदर रैप आपको स्टीयरिंग मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिलता है देखने को, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से एनिमेशन रहने वाला है। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और AC वेंट्स जो हैं वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ दी गई है पिलर्स पे और ये रहा आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, AC वेंट्स, हैजार्ड का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, एल्ट्रॉस की बैजिंग मिल जाती है और ग्रे फिनिश में आपको ये मिलता है और पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लगती है। और क्लब बॉक्स मिल जाता है आपको लाइट्स के साथ, इसके अंदर आपको एक मोशन लाइट मिल जाएगी और यहाँ पे थोड़े कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और बात करेंगे ड्राइवर को, ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज वगैरह देखने को मिल जाती है, लाइट्स मिल जाती है आपको, यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है स्टीयरिंग पे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, 5-स्पीड मैनुअल कैलिपर मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यहाँ पे 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट आपको मिलता है लेदर फिनिश में,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और एडजस्टेबल आपको मिलेगा आर्म रेस्ट, यहाँ से आप अपना गाड़ी का स्पोर्ट मोड और ड्राइव मोड इको मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जिस भी मोड में आपको अपनी गाड़ी चलानी है। स्टेयरिंग पे आपको वॉइस कमांड के बटन यहाँ मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन आपको इस साइड दे दिए गए हैं। तो ये तो हुई गाड़ी की ओवरऑल लुक। और अब चलते हैं गाड़ी के बूट में, अब चलते हैं गाड़ी के बूट में और बूट दिखाते हैं आपको कितना लीटर का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने को मिल जाएगा और एक पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। अच्छा खासा आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, 350 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक बूट लैंप भी आपको ऑफर किया गया है और यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर देखने को मिल जाएगा जो कि 14 इंच का आपका रहने वाला है, सेम साइज़ का नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इस साइड आपको एक पंचर रिपेयर किट आपको दी गई है। तो ये तो हुई ओवरऑल गाड़ी की बात। और कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।